Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Today, I'm going to start lecture number 3 pertaining to chapter 3. And the heading of the chapter is motion in a straight line. Okay. So this physics belongs to class 11 NCERT physics. The version of physics I'm teaching is beta series, right? So today's concept of teaching is motion in terms of physical quantity. Means जो भी मोशन किसी भी बॉडी को रिलेट करेगा हम उसको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विद द डिटेल्स, ब्रीफ डिटेल्स, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग, हाउ वी आर गोइंग टू लोकेट अ बॉडी, एज पर यस्टरडेज एक्सप्लेनेशन आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा, जिसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको कल भी बोला था कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखाऊंगा, मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट विल बी कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना, वन डी मोशन कहूंगा इसको। ओके, नाउ If the motion is taking place, if the motion is taking place into the plane, तो तब क्या होगा बच्चों? There will be x-axis as well as y-axis, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? X और y-axis आ जाएंगे। So when we locate the position of a particle or a body, ठीक है? समझो कि कहीं पे यहाँ पे बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, ओरिजिन तो यहाँ पे है, जैसे वन डायमेंशनल मोशन में ओरिजिन यहाँ पे था, ठीक है, और टू डायमेंशनल मोशन में ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, टू डायमेंशनल मोशन में, इट इज हियर, वन डायमेंशनल मोशन में यहाँ पे, ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर लोकेटिंग अ बॉडी, तो वो बॉडी कहाँ पे है, यहाँ पे है, एट द पॉइंट पी कह लो, ठीक है। So, the path of traveled of this body is like this. Matlab, it is using two coordinates to locate its position. Okay. So, we can call the motion of this type as two-dimensional motion. Theek hai na? To isko hum two-dimensional motion kahenge. Now, say for example, you're taking the ground surface. Theek hai? ग्राउंड सरफेस के लिए अभी समझो कि कोई मक्खी यहाँ पे बैठी है, फाइन, सो इट इज मूविंग लाइक दिस, कैसे ऐसे ऐसे उड़ते हुए यहां तक आई है, फाइन। नाउ यू आर लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ दिस मक्खी, ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे पता है, यू नीड टू ड्रॉ एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां से फिर क्या करोगे इस मक्खी को लोकेट करने के लिए, अगेन यू नीड टू ड्रॉ वाई एक्सिस, अगेन इस मक्खी को लोकेट करने के लिए क्या करोगे यहां से जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो अभी इस मक्खी को लोकेट करने के लिए ओरिजिन से आप क्या करोगे, यहां से यहां तक एक वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करोगे। सो द एरो मार्क एक काम करते हैं, एरो मार्क को हम अलग कलर में ले लेते हैं, सो वी कैन से दैट यही है पोजीशन वेक्टर। यू कैन सी दिस ग्रीन एरो मार्क माय डियर किड्स, बाय दिस ग्रीन एरो मार्क वी आर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ मक्खी, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक है, ओ से लेके पी नहीं कहूंगा मैं इसको, क्यों कहूंगा, क्योंकि पी यहां पे ऑलरेडी मैंने यूज कर रखा है, सो ओ क्यू वेक्टर इसको पोजीशन वेक्टर बोलूंगा। सर व्हाई वी वांट जेड एक्सिस, My dear kid, because this type of motion it is not taking place into the plane. ठीक है नितिश, ये क्या है? जो भी मतलब motion हो रहा है, we are not specifying the coordinate into plane. ये सिर्फ motion plane में नहीं हो रहा है, ये space में हो रहा है. तो plane अगर मैं मान के चलो, I will show you. Say for example, this is your plane. ठीक है? और मक्खी यहाँ से उड़ रही है. कहाँ से? यहाँ से उड़ रही है. ठीक है, यहां से उड़ते हुए सिर्फ प्लेन में नहीं घूमेगी वो, ठीक है, तो वो ऐसे कहीं पे यहां पे आ रही है, यही है मक्खी समझ लो, ठीक है, ये वाली मक्खी है समझ लो, तो यहां पे आ रही है,
सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस को भी आपको लेना पड़ेगा इसको लोकेट करने के लिए, ठीक है. सो लाइकवाइज यू नीड टू टेक थ्री डायमेंशन, है ना. तो ये आपका प्लस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस एंड प्लस जेड एक्सिस, ठीक है. तो अब क्या करोगे आप लोग, वी आर गोइंग टू डू वन थिंग, हम लोग एक चीज करेंगे. क्या है वो चीज, पैरेलली हम एक क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं विच इज इक्वल मींस विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो वहां से इस एंट को या इस मक्खी को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं. एंड दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू व्हाट, जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस आप कैसे लोगे, ऐसे लोगे, है ना, ऐसे लोगे. तो अभी ऐसे अगर लेना है तो मैं इसको क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर लेता हूं ताकि सारा चीज सही हो सके, ठीक है. वेट, सो व्हेनेवर वी ड्रॉ अ डायग्राम इट शुड बी परफेक्ट डायग्राम, ठीक है ना, ताकि हमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. नाउ सी हियर, तो ऐसा लग रहा है कि Z एक्सिस को हम लोग पैरेलली कोई लाइन ले रहे हैं, फाइन. नाउ फ्रॉम हियर अगेन आई एम ड्रॉइंग पैरेलल टू द X एक्सिस. तो फिर यहां से मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल Y एक्सिस ड्रॉ करूंगा ओवर द X एक्सिस. सो देन अगेन Y एक्सिस ओवर द Z एक्सिस, Y एक्सिस इन बिटवीन X एंड Z प्लेन, ठीक है ना. तो ऐसे मैंने ड्रॉ करा X axis in the plane of XZ plane, Z axis parallel to the Z XZ plane, means Z axis presents into the XZ plane which is parallel to the Z axis, ठीक है. So by this way I have simply क्या किया मैंने, मैंने locate किया किसको, मक्खी को, at the point of Q. Clearly समझ में आई बच्चों. So this type of motion is called as 3D motion. Sir, by doing this, what we are doing, sir? By doing this, we are simply expressing motion of any body in terms of different physical quantities. Vector means, देखो बच्चों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. Whenever you are saying that, you are writing a physical quantity, ठीक है? तो physical quantity को क्या किया जाएगा? पता है आपको? It is divided into two portion, ठीक है, दो धड़ों में इसको बांटा जाएगा. One is scalar quantity, ठीक है, scalar. And the one is vector quantity, ठीक है. I'm not going to get into detail इसके बारे में, because इसी पे मैं एक complete कहते हैं ना छोटा सा chapter बनाऊंगा. Over the vectors, ठीक है? मैं आपको सिर्फ सिंपल बताऊंगा यहाँ पे. Physical quantity, कोई भी आप physical quantity ले लो, it will be divided into two parts. One is scalar quantity and the one is vector quantity. अभी मैं बताता हूँ scalar quantity होती क्या है and vector quantity होती क्या है. So scalar quantity is basically it is having only magnitude. इसके पास क्या होता है? सिर्फ magnitude होता है. ठीक है? और vector quantity के पास दो चीज होती है. One is magnitude, another one is direction. ठीक है, सर अभी आपने तो बोल दिया magnitude and over the vector side you are saying that magnitude as well as direction. तो magnitude तो आप लोगों को मैंने already बता रखा है. If you are representing the quantity of force, ठीक है, तो force का quantity को represent करने के लिए यहाँ पे देखो 10 newton. अगर आपने ऐसा लिखा, so this 10 newton is divided into two part, ठीक है? एक होता है आपका numerical part, है ना? Numerical part means it is representing number, value, है ना? फिर n, this is representing unit, standard unit. So basically these two are representing magnitude. 10 newton मतलब क्या है? यही है आपका magnitude, ठीक है? क्या मेरी बात clearly समझ में आ रही है बच्चों? Yeah. Now, when it comes to the case of direction, ठीक है, magnitude तो फिर vector quantity में भी होता है सर. क्या force
स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है सर. इज द फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? Force is not a scalar quantity, force is a vector quantity. But scalar quantity का एक example बताइए sir, right? Scalar quantity का एक example ले लेते हैं area. Area will be not having any direction. तो area का जब आप लिखते हो तो आपने अगर लिखा कि 2 meter square means simply you are defining the magnitude. Though this is numerical value, meter square this is SI unit. ठीक है, तो एरिया इज नथिंग बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट अबाउट फोर्स सर? तो फोर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने देखा 10 न्यूटन, ओके, बट व्हाट अबाउट फोर्सेस डायरेक्शन सर? इफ यू टेक द वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल एट द ओरिजिन, यहां पे ये दिख रहा है आपको, टेक दिस एज पॉइंट ओ, टेक दिस एज पॉइंट जेड, ठीक है, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट जेड तक अगर आपने फोर्स को अप्लाई किया, फोर्स किस पे अप्लाई करेंगे सर? फोर्स यू कैन अप्लाई ओवर द ब्लॉक. इस ब्लॉक पे हमने फोर्स को अप्लाई करा, ठीक है, इस ब्लॉक पे हमने क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया. कितने फोर्स को अप्लाई किया? सो वी आर अप्लाइंग फोर्स अप टू कितना, 10 न्यूटन. 10 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड. तो डायरेक्शन कहां पे है सर? यहां पे डायरेक्शन इज दिस, ये वाला आपका डायरेक्शन है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स डाल रहे हो उसी डायरेक्शन में जाएगा, ओके, सो बाय दिस डायरेक्शन यू आर शोइंग द डायमेंशन ऑफ द फोर्स कि ये सिंगल कोऑर्डिनेट वाला है, ठीक है, तो यहां पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वांटिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड. सो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी. तो तब इसको हम कैसे लिखेंगे, जब एक डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स, वी आर राइटिंग एफ एज अ सिंबल, उसके ऊपर एक एरो मार्क लिखेंगे ऐसे, वेक्टर एफ करके बोलेंगे इसको, वेक्टर एफ. इज इट क्लियर माय डियर किड्स? कोई कंफ्यूजन आपको समझने में? इज दैट क्लियर? नाउ यू ऑल केम टू नो दैट कि स्केलर क्वांटिटी क्या था और फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या था एंड टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन यू नो डायमेंशंस. डायमेंशंस के ऊपर हमने टाइप्स ऑफ मोशन को देख लिया, ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल. ओके, थैंक यू, वेरी गुड. कृष्णा, जैनुल, समीर कुलकर्णी, प्रताप राजपूत, वेरी गुड. चेतन, प्रताप, फाइन, थैंक यू. Now, what we are going to see, motion of a body in terms of physical quantity. हमने तो जाना कि frame of reference क्या होता है, and that frame of reference is always taken on the earth surface, where the observer will be going to sit at the origin place, and the object who is moving is taken as a moving body, या moving material particle, ठीक है, where the motion of that body will be going to refer with respect to time, and this whole phenomena will be going to express in terms of different or various physical quantities. ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो मैंने वही heading लिखा है. तो उसमें कौन से quantities होंगे हम लोग देखेंगे. तो आपका पहला physical quantity वो होगा path length. ठीक है, path length और डिस्टेंस. सो बेसिकली माय डियर किड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ठीक है, हमें एक चीज को समझना है. क्या समझना है पता है? व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू डिफाइन अ मोशन ऑफ अ बॉडी, वी नीड टू हैव अ डिस्टेंस. आप किसी चीज को एक ही जगह रख के नहीं बोल सकते कि दिस बॉडी हैज ट्रेवल्ड सो एंड सो प्लेस. बिकॉज If I take an example, मैंने लिया एक block and I am keeping this block for long as an hour. एक घंटे के लिए मैंने एक ही जगह इस body को रखा, ठीक है, this is not moving, okay, for 1 hour. तो मैं ये नहीं कह सकता कि it has traveled path length, okay, it has traveled a distance, है ना?
मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? वी कैनॉट से लाइक दैट. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या कर सकते हैं? वेट वेट माय डियर किड्स, चार्ज नहीं हो रहा है थोड़ा सा. Okay, so we were discussing about path length, है ना? तो हम path length के बारे में, okay, और distance के बारे में discuss कर रहे थे बच्चों. So basically, what is path length? Path length होता क्या है? It is the distance covered by the body during its motion. ठीक है. So this is what path length as well as distance. Fine. तो ये चीज तो हमें समझ में आई बच्चों कि पाथ लेंथ और डिस्टेंस होता क्या है. एंड वी नीड टू नो दैट कि पाथ लेंथ हो या डिस्टेंस हो, आइदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस समझो कि आपको ट्रेवल करना है. आई एम सेइंग दैट यू नीड टू ट्रेवल 100 मीटर. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी हो यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल समीर हो या एनी अदर पर्सन, प्रताप और नबी रसूल जो भी हैं यहाँ पे, इफ आई एम आस्किंग यू, यू हैव टू ट्रैवल 100 मीटर डिस्टेंस. 100 मीटर डिस्टेंस बोलने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? आपको लगता है कि मुझे 100 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ेगा. बट दैट 100 मीटर कहाँ पे जाना है, क्या दिमाग में कुछ आया कि 100 मीटर व्हेन आई एम सेइंग देयर इज नो डायरेक्शन वेयर आई हैव टू मूव? सर, यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द लोकेशन. सर, वेयर आई हैव टू मूव, In which direction I have to move, sir? I'm not getting, है ना? ये चीज़ दिमाग में आता है. So it means that there is no direction. When I'm saying that you have to travel 20 kilometer, yeah. When you don't have any direction, if I'm saying that you have to travel 20 kilometer of distance, कहाँ पे सर? किधर जाना पड़ेगा? इधर, 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 जो भी. So अगर आपको direction नहीं बता रहे हो सर, कहाँ पे जाना है डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इधर जाना है वरना इधर जाना है. आई डोंट नो सर विच डायरेक्शन, लग रहा है कि इधर जाना है. आई डोंट नो इन विच डायरेक्शन, या ऐसे जाना है और एल्स इन दिस डायरेक्शन. कौन सा डायरेक्शन पता नहीं सर. फाइन, इट मीन्स इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, ये क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जब भी आपके क्वांटिटी को देखने के बाद डायरेक्शन पता नहीं चले, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज या ओनली गोइंग सिंपली 20 किलोमीटर, वी डोंट नो वेयर, पता नहीं हमें कहाँ, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है एंड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, है ना? Is meter. The symbol for meter is, symbol for meter is m, है ना? Small m. Now, the dimensional formula for distance. Dimensional formula for distance क्या रहेगा? Is, उसमें distance में तो आपको सबको पता है mass वहां पे zero रहेगा. Only the length
विल बी हैविंग प्रेजेंस, इट इज शोइंग प्रेजेंस, और टाइम भी जीरो रहेगा. सो एल रेज टू वन. अगर मीटर है तो सिर्फ लेंथ का प्रेजेंस रहेगा, है ना. या तो स्केलर क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायरेक्शन बट इट हैज मैग्नीट्यूड. वरना आप ऐसे कह सकते हो, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव डायरेक्शन, सो इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. सो ये तो चीज पता चल गया हमें कि डिस्टेंस क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड मोशन ऑफ अ बॉडी मीन्स दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉट, फिजिकल क्वांटिटी. तो हम क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between the initial and final positions, initial and final positions of the body during its मोशन. ठीक है. तो वी केम टू नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. या एज आई सेड यू दैट इफ यू टेक अ प्लेन एंड यू वांट टू लोकेट द ट्रेसिंग पाथ ऑफ द ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट, या किसी भी पाथ को आप ट्रेस करते हो, सिंपल भाषा में बोला जाए, इनटू द प्लेन. से फॉर example, a body is moving from the origin, yahan se koi body move kar rahi hai into this plane and it will be like this. Theek hai. So when we are seeing that the traced path is curvilinear, theek hai, to curvilinear path hai and the body has traced the curvilinear path. Say for example this traced path is 40 km. Kitna hai? 40 km. And if you draw a position vector, अगर आपने position vector को draw करा, कहां से कहां तक? Initial point से final point तक. मतलब starting point से लेके initial point क्या होता है? That is starting point. ठीक है, this is initial point and this is final point. And the shortest distance कौन सा होगा? This position vector. तो इस position vector को मैं क्या कहूंगा? I will call this as origin and this as point P. तो OP is equals to, say for example, small a distance. OP is equals to small a distance. अगर OP के ऊपर मैं वेक्टर डालता हूं तो इस डिस्टेंस पे भी मैं अगर वेक्टर डालूं, so that distance will be called as what? Position vector. तो small a क्या बन गया? Position vector बन गया. And this position vector distance is called as the displacement of a body. ठीक है ना? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसमें बॉडी ने एक लंबा पाथ कवर करके उस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है. कौन से वाले डिस्टेंस को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को. तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं और उसमें मोशन हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ मोशन विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ physical quantity called as displacement. ठीक है. चलो, displacement आपको पता चल गया. किसी को कोई दिक्कत समझने में? Any difficulty to understand? Say for example, ये जो blue color का arrow mark है ना, this blue color arrow mark is 15 km of distance. तो 15 km distance तो बहुत ही छोटा हो गया when it compared to the 40 km distance. So 15 km distance is displacement है ना?
एंड व्हाट अबाउट 40 किलोमीटर डिस्टेंस सर, ये क्या है फिर सर? दिस इज नथिंग बट माय डियर किड्स डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको एक चीज पता चला, जो सबसे ज्यादा था उसको हमने कॉमनली डिस्टेंस बोला, और जो सबसे छोटा था डिस्टेंस जहां पे मोशन हुआ था इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी, तो उसको हमने डिस्प्लेसमेंट बोला. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया? डिस्प्लेसमेंट में हमने पोजिशन वेक्टर से डायरेक्शन बताया कि किस और इस बॉडी ने अपने पोजिशन को लोकेट किया है, मीन्स फ्रॉम वेयर टू वेयर. ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? By specifying the direction, we are saying it as a vector quantity. तो displacement क्या है? Displacement is nothing but it is a vector quantity. It is a vector quantity. ठीक? ये तो चीज पता चल गई हमको कि भाई this is a vector quantity and its direction is from initial to final position of the body. ठीक है, सो द SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट का? इट इज ऑल्सो मीटर, है ना. सो मीटर को अगर आप मीटर लिख के फिर उसको सिंबलाइज स्मॉल m से करते हो, नो इश्यू. सो स्मॉल m इज द व्हाट? इट इज द सिंबल ऑफ SI यूनिट. मीटर इज द नेम ऑफ SI यूनिट, है ना, किसका? डिस्प्लेसमेंट का. ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? m रेस टू 0, l रेस टू 1, t रेस टू 0. चलो ये भी किया. जब समझो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने आपको 15 किलोमीटर और 40 किलोमीटर का डिफरेंस समझाया, एज वेल एज आई सेड यू दैट वन इज डिस्प्लेसमेंट एंड वन इज डिस्टेंस. बट वेन इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी समझो विदाउट हैविंग द कर्विलीनियर पाथ, इफ इट इज ट्रेवलिंग इन टू रेक्टिलीनियर पाथ, अगर रेक्टिलीनियर पाथ में ट्रेवल करता है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ बॉडी हैज ट्रेवल इन टू रेक्टिलीनियर पाथ, स्ट्रेट पाथ में. ठीक है, रेक्टिलीनियर पाथ. सो दिस इज ओरिजिन ओ एंड दिस इज क्यू. ठीक है, तो ओ क्यू, OQ, vector OQ is equals to, मैं बोलूंगा इसको B distance. So vector B. Now, vector B is representing the position vector. Okay. Position vector को क्या कर रहा है? Represent कर रहा है. ठीक है? कहां पे है वो? यहां पे. ठीक? Now, यहां पे एक चीज आपको दिखाई दे रही है. Distance is equals to displacement. क्योंकि the body is not going through any different path, any other path. It is traveling through a straight line, or distance and displacement both became same in this case. ठीक है? Okay. Fine. चलो. So, my dear kids, I was explaining about when displacement will be equals to distance, तब क्या होगा? ठीक है ना? So at that time, you know what, my dear kids, the traveling of a body will be in a straight line. तो तब क्या होगा? Distance traveling will be equals to displacement, है ना? So you can say that कि motion is taking place in a straight line. बस यही चीज़ है. हो गया? I think so you came to know that कि distance और displacement क्या-क्या चीज़ हैं. So we have expressed distance and displacement, right? तो motion को हमने दो various quantities में define किया. Now we are going to see the distinguish. ठीक है, तो हम लोग distinguish को देखेंगे. Distinguish between what? Distinguish between distance and displacement. तो
दोनों के बीच में अगर हम डिस्टिंग्विश करने जाएं, सो विल गेट अराउंड 6 points, हमें 6 points मिलेंगे, ठीक है? तो देखते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक? We'll see that. ये आपका क्वेश्चन है, मान के चलो, एंड वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश दैट. चलो, सो मैंने ऐसा एक बड़ा सा क्या बना लिया, कॉलम बना लिया. सो वी आर गोइंग टू बाइफरगेट दैट, कि हम लोग बाइफरगेट करेंगे. एंड व्हाट इज दैट, देखेंगे क्या है चीजें. चलो, and I'm going to make the serial wise distinguish, मतलब उसको अच्छी तरह से distinguish करते हुए जाएंगे, ठीक है? चलो, कर दिया मैंने. So equally 6 हिस्सों में बांटना सही रहेगा. So here I'm bifurcating, right? रोज और कॉलम बना लिया हम लोगों ने. चलो, सो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है, इट विल बी हैविंग अनदर नेम कॉल्ड पाथ लेंथ, है ना? ये है ना, पाथ लेंथ एज वेल एज डिस्टेंस, बोथ आर वन एंड सेम. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? डिस्टेंस एंड पाथ लेंथ बोथ आर वन एंड सेम. एंड डिस्प्लेसमेंट उसका अलग से कॉलम बनाएंगे, तो इसका कोई और अल्टरनेटिव नेम नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं. फाइन, सो सीरियल नंबर मैंने डाले यहाँ पे. फाइन, सो यहाँ पे भी मैंने सीरियल नंबर डाले. तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पॉइंट्स बनाऊंगा, ठीक है? बहुत लंबे नहीं खींचूंगा इन चीजों को. तो शॉर्ट पॉइंट्स क्या है? सो डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ. एक्चुअल पाथ लेंथ रहता है, ठीक है? सो एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मोशन, ठीक है? लेकिन ये क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, है ना? तो अगर इसको डायग्रामेटिकली अगर हम लोग देख लें, तो क्या मैं इसको इनिशियल पॉइंट बोलूं और इसको अगर मैंने फाइनल पॉइंट बोलूं तो होगा क्या? सो अगर मैं ऐसे घुमावदार रास्ता बना लूं, एंड दिस यू नो कर्वी लीनियर पाथ इज कॉल्ड एज एक्चुअल पाथ लेंथ. तो ये एग्जांपल किसका बन जाएगा? दिस एग्जांपल विल बी ऑफ डिस्टेंस. एंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इफ आई ड्रॉ अ रेड एरो मार्क, सो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया विद द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? चलो, फर्स्ट पॉइंट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सो विद अ डिफरेंट कलर मैं दूसरा पॉइंट बनाऊंगा. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. विच वन? डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो एज आई सेड दैट, सो व्हेन आई एम सेइंग दैट, चलो बच्चों 20 किलोमीटर चलते हैं. आप पूछोगे सर कहाँ पे जाएंगे सर 20 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में जाएंगे? क्योंकि अगर मैंने बोला 20 किलोमीटर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सो इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, है ना? तो मान के चलो मैं एक पाथ बनाता हूँ 20 किलोमीटर का, ठीक है? 20 किलोमीटर का मैंने पाथ बनाया, एंड वी पीपल्स आर समवेयर हियर एट द सेंटर. तो मेरे साथ मैंने बोला 20 किलोमीटर, ठीक है? सो यू नो व्हाट, आई विल होल्ड दिस पाथ, मैं इधर जाऊंगा. तो कोई और बच्चा रहेगा, से फॉर एग्जाम्पल सृष्टि, तो वो इधर जाएगी. एंड से फॉर एग्जाम्पल कोई और बच्चा है, सो से फॉर एग्जाम्पल परी, she will go here. And कोई है प्रतीक्षा, she will go here. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे इधर, so they don't know that which direction they are going. बस 20 किलोमीटर चलना है, radius 20 किलोमीटर, ठीक है? So this is called as distance.
लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, 20 किलोमीटर चलना ही चलना है सर, किधर जाएंगे 20 किलोमीटर? इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्टवर्ड मतलब हम ईस्ट में 20 किलोमीटर जाएंगे, तो हमारा जो सेंटर ऑफ रेफरेंस रहेगा ना यहाँ पे रहेगा. सो वी पीपल्स आर स्टैंडिंग हियर एंड व्हेन आई से दैट चलो बच्चों 20 किलोमीटर चलते हैं ईस्टवर्ड, इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, तो आपका किधर रहेगा कुछ? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, नहीं इस डायरेक्शन में नहीं, रिवर्स लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है? चलो ऐसे क्यों ऐसे? क्योंकि मान के चलो, नहीं मैंने फिर से अलग ले लिया. चलो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में किधर रहेगा? इधर रहेगा, इन दिस डायरेक्शन. चलो मैंने इसको ईस्ट वेस्ट, नहीं इसको नॉर्थ वेस्ट, नहीं मैंने पहले ही करेक्ट किया था, वेट. सो ईस्टवर्ड डायरेक्शन इज दिस वन. अभी देखो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है हमें, ईस्टवर्ड ये है वो है, बिकॉज आई एम टेकिंग एज अ माय रेफरेंस एक, कि मेरे रेफरेंस की तरफ से मैं ले रहा हूं, तो कभी मैं एरो मार्क इधर कर रहा हूं, कभी मैं एरो मार्क उधर कर रहा हूं. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू मेक अ फिक्स थिंग, कि जब भी आप ले लो आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा ना वो ईस्ट रहेगा. बिकॉज मैंने ये प्लेन कैसे किया, आई एम नॉट होल्डिंग दिस प्लेन एज अ वर्टिकल, आई एम होल्डिंग इट एज अ हॉरिजॉन्टल, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था. बट अगेन आई रिमेंबर दैट कि कन्वेंशन बना लेते हैं कि there is a convention into physics, right? So east hai, west hai. Matlab aapka left hand jo bhi hai. Means when you are seeing the screen. So on the left hand side, so you are writing as a east. On the right hand side, you are writing as a west. To fir aapka jo pair hai na, wo kya bata raha hai? That is called as north. And ye kya bata raha hai? South. Ye agar aapne convention bana liya hai, so you need to fixly follow this convention. To book ka convention alag rehta hai. So whenever you are solving the problem, you need to take the perfect convention, my dear kids. आप ये चीज़ याद रख लो. So when you are sitting on the ground, कि आपके पीछे बाजू में east है, तो right side में north है. तो देखो, आपके आप इधर मुंह करके बैठे हो, इधर मुंह करके बैठे हो, तो पीछे बाजू में east है, तो right side में north है. आपका right hand इधर आता है, आपका left hand इधर आता है. Okay, so this is south. So you are facing to the west, है ना? तो ऐसे आप convention बना के वहाँ पे convention रख लो. So you can simply show the direction of your motion. Ki humne 20 kilometer eastward direction mein jana hai. Is that clear, my dear kids? We made the third point, second point. Theek hai? Chalo. So we are going to move to the third point. Yes. So the third point is distance never be zero. Or नेगेटिव, ठीक है? तो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं रहता है और नेगेटिव नहीं रहता. इट इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव रहेगा. बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑलवेज zero, negative as well as positive. क्या मेरी बात clearly समझ में आ रही है बच्चों? For the third point, whatever we are making, हम लोग क्या करते हैं, इसका एक proper way बना लेते हैं, ठीक है? So now, say for example, I am writing the path here. हमने path यहाँ पे बना लिया, and I am going to keep this ऑब्जेक्ट ओवर द पाथ. मैंने इस पाथ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है? तो से फॉर एग्जांपल दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. फॉर वन आवर ऑफ लॉन्ग वेटिंग दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग फ्रॉम हियर. इट मींस दैट द डिस्टेंस कवरिंग इज नॉट जीरो, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस इसने कवर जीरो किया. This has not traveled, it is at rest कह सकते हो, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने distance zero cover किया, क्योंकि zero कोई value होती नहीं, okay? So simply in mathematical way, everyone used to say that distance कितना है? Zero है, क्योंकि इसने move करा ही नहीं, ठीक है? तो चलो, ये तो हमें clear हो गया कि never be zero, distance will be never be zero, क्योंकि वो value होता ही नहीं.
Now, what about negative? अगर समझो initial point से final point up to here, this is final point. यहाँ पे reach हो रहा है this object. It means that this object is moving in the positive x direction. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? So positive x direction means it will be always positive. यहाँ पे देख लो आप. Is that clear, my dear kids? क्या ये आपको दिख रहा है? It will be always positive. But it will be not negative. अगर यहां से initial point से final point तक 2 meter है मान के चलो, and again it will come back, return to the same point. So the actual distance covered by the body will be 2+2. मेरी बात समझ में आ रही है? Although the direction opposite to the plus x. तो आप ऐसे वापस जा रहे हो तो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो, बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस देर विल बी ओनली मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्टेंस क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन नहीं आता है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 2+2 कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 4 meter. ठीक है, सो डिस्टेंस कवरिंग इज 4 meter, है ना? ये तो क्लियर हो गया हमें कि सर डिस्टेंस में कोई नेगेटिव होता नहीं. ठीक है, चलो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको रब करते हैं. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं सर, इसी एग्जांपल को लेते हैं सर, है ना? इसी एग्जांपल को हम लोग ले सकते हैं. कैसे पता है बच्चों? इफ यू मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, आपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मूव करा, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना था? इट वॉज 2 meter. ठीक है, सो यू हैव मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स, एंड अगेन यू आर कमिंग बैक टू द सेम पोजिशन. तो आप सेम पोजिशन को फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को आ रहे हो, सो यू आर अगेन ट्रेवलिंग वॉट 2 meter ऑफ डिस्टेंस, बट नाउ यू आर गोइंग इन टू द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले आपने +2 meter डिस्टेंस को कवर किया, नाउ यू आर कवरिंग द डिस्टेंस -2. ओके, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी मींस विद द मैग्नीट्यूड, विद द मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे 2 meter और 2 meter करके आपने लिया, डायरेक्शन को भी ले लिया, बिकॉज टू शो द डायरेक्शन वी आर यूजिंग प्लस एंड माइनस. ठीक है ना, सो +2 meter -2 meter. That is making 0 meter. तो आपने कितना displacement किया? 0 meter distance displacement किया. तो displacement क्या होता है? 0 होता है. तो displacement क्या होता है? Negative होता है. क्यों होता है? -2 meter होता है. So plus होता है. क्यों होता है? क्योंकि +2 meter होता है. क्या मेरी बात clearly समझ में आई बच्चों? So is that clear? मैंने जो आपको बताया. So now I'm going to make the fourth point. जो मैं अभी fourth point बनाऊंगा, ठीक है? अरे बाप रे. So third point तो बना लिया, इसको रब करते हैं, तो fourth point बनाएंगे. तो क्या कह रहे हैं? We are taking a reference of distance. We are taking a reference of distance. तो मैंने एक जगह distance ले लिया, दूसरी जगह displacement को ले लिया. हाँ? तो दोनों में हम क्या कहेंगे? Into both of the fourth points. मतलब distance वाला fourth point and displacement वाला fourth point. तो distance वाले fourth point में क्या क्या लेंगे? Reference distance लेंगे. So distance may be equals to displacement. हो सकता है कि distance displacement को equal हो सकता है. ये एक case बनेगा यहाँ पे. क्या बनेगा? In the given interval of time, जो भी time रहेगा उसमें the distance may be equals to displacement. और ठीक है, distance may be greater than displacement. मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक condition ये हो सकता है कि distance is equals to displacement or distance is greater than displacement. In what? Into given interval of time. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. So distance is greater than or equals to displacement, है ना? With respect to what? Time. ये हो गया.
सो ये आपका फोर्थ पॉइंट बन गया. इनटू गिवन इंटरवल ऑफ टाइम यू आर शोइंग दैट कि रेफरेंस आपने डिस्टेंस लिया और कहा कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है. कैसे? अगर हमने कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करा तो ये देखो एक्चुअल पाथ लेंथ तो लंबा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो छोटा है. तो मतलब आपने डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर बता दिया, है ना. यही चीज है यहाँ पे. कहाँ पे? फोर्थ पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस. सर देन व्हाट अबाउट फोर्थ पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? हियर यू नीड टू टेक द रेफरेंस ऑफ व्हाट? यू नीड टू टेक द रेफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आपको डिस्प्लेसमेंट का रेफरेंस लेते हुए कहना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज और मे बी इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस. मतलब आप रिवर्सली क्या कह रहे हो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, इनटू व्हाट? इनटू गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं सर? सो यू कैन राइट लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस, वन कंडीशन, और डिस्टेंस विल बी ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ये वाला कंडीशन हो सकता है, ठीक है. मतलब आपको ये चीज पता चल गई कि दोनों में रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. सो द फिफ्थ पॉइंट आई एम गोइंग टू मेक, तो पांचवा पॉइंट मैं जो बना रहा हूं, सो डिस्टेंस जो है ना, इट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पाथ, है ना. तो जो भी एक्चुअल लंबा लंबा चौड़ा ऐसे पाथ रहता है ना, सो ये अगर फाइनल पॉइंट है तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ का जो पाथ है ना, तो पाथ पे क्या डिपेंड करेगा? डिस्टेंस डिपेंड करेगा. बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट डिपेंड्स अपॉन कहां पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है ना, ऑफ द मोशन. तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आया. सो द सिक्स्थ पॉइंट विच आई एम गोइंग टू मेक, हम लोग जो सिक्स्थ पॉइंट बना रहे हैं वो क्या है? सो द सिक्स्थ पॉइंट इज इट टेल्स द टाइप ऑफ पाथ. तो ये क्या बताता है? डिस्टेंस टाइप ऑफ पाथ बताता है, ठीक है. बट मीन्स इट डज नॉट टेल्स क्या नहीं बताता है? टाइप ऑफ पाथ, है ना, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट. क्लियरली समझ में आया बच्चों कि हमने कैसे पॉइंट्स बनाए चीजें, है ना. बहुत ही इजी था आज का क्लास. सो माय डियर किड्स, आई एम क्लोजिंग दिस क्लास. हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस क्लास? यू कैन कमेंट इट इनटू द कमेंट बॉक्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल. So I am requesting my each and every kid so to go and see into my YouTube channel and do as much as likes as well as comments. आपको अगर अच्छा लगे तो like करना, अगर नहीं अच्छा लगे तो comment करके बताना कि sir हमको अच्छा नहीं लगा. अगर अच्छा लग रहा है तो तब भी comment करके बताना. And ask your other college friends to subscribe my channel, share with them. Okay. So, मेरा एक सपना है कि फिजिक्स को मैं बहुत बहुत ज्यादा इजी बना सकूं. सो बाय दिस ड्रीम आई एम मूविंग. ओके, प्लीज सपोर्ट मी. फाइन, थैंक्स एंड जय हिंद.